दोस्तों, अच्छे कर्म हेतु मेहनत करना ही सबसे बड़ा तप माना गया है। नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी चर्चा मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में जो MCQs बन सकते थे उन पर हो रही थी और हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को इसके अंतर्गत कवर भी कर लिया था। हमने इसके पहले जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं उनको सामान्य परिचय के बारे में जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उस पर हमने एक क्लास रखी थी। उसके उपरांत हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों के भौगोलिक विस्तार को लेके उनके संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं और मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृत के संबंध में, साथ ही हमने घुमंतू जनजातियों के संबंध में भी अपने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही उसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कितनी गहराइयों पर PSC प्रश्न पूछ सकता है और कितने प्रश्न इसके पहले PSC ने पूछे हैं, उन समस्त पहलुओं पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जनजाति जो संस्कृत है उसी की चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। तो अपने प्रश्नों पर चलते हैं। हमने इसके पहले काफ़ी सारी चर्चा कंप्लीट कर ली है, तो जो लोग नए हैं उन्होंने चीज़ें नहीं देखी हैं तो उसके पहले पुराने लेक्चर भी देख लें। चलिए आज के प्रश्न से आते हैं। हमारा प्रश्न है, कोरकू सीडू या दारू बनाते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंगूर से, ऑप्शन बी महुआ से, ऑप्शन सी गन्ने से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हमारी चर्चा इस पे हो चुकी है, हमको मालूम है कि सीडू क्या होती है, शराब होती है और मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है, महुआ से। महुआ से बनाई जाने वाली शराब होती है। जो अब ये सीडू का उपयोग क्या होता है, सीडू एक रूप से खान पान में ये इस्तेमाल करते हैं। सामान्य रूप से पुरुष और स्त्री दोनों इसका सेवन करते हैं, पुरुष व स्त्री दोनों इसका सेवन करते हैं। साथ ही जब कोई स्त्री गर्भावस्था के दौरान होती है, जब प्रसव के दौरान होती है, तो उसको सीडू भी पिलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आलेनी सावलीगढ़ कोरी रे रांडे ओली आलेनी गांगड़ी कोटो दो रांडे, अर्थात हम सावलीगढ़ के रहने वाले हैं, कहावत किस जनजात से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी भारिया या ऑप्शन डी कोरकू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोरकू। कोरकू का मूल स्थान की अगर बात करें कि कहां पर इनका मूल स्थान माना गया है, तो वो बैतूल है। और बैतूल में दो जगह इनकी मूल निवास स्थान माना गया है, एक है भंवरगढ़ और दूसरा है सांवलीगढ़। तो इसी पर कोरकू जनजातियों की एक कहावत बनी है और कोरकू जनजाति के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं यही कहावत कहते हैं कि हम सांवलीगढ़ के रहने वाले हैं, उसके संबंध में ये कहावत का उच्चारण करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोरकू जनजात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन है, कोरकू विंध्य तथा सतपुड़ा के जंगल में जड़े खोदते थे इसलिए इन्हें कोरकू कहा गया। दूसरा, वेरियन एल्विन के अनुसार इनकी उत्पत्ति भाई बहन के बीच यौन संबंध स्थापित हो जाने के कारण हुई थी, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो या ऑप्शन सी एक और दो दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोरकू की उत्पत्ति की अगर बात करें कि कोरकू की उत्पत्ति कहाँ मानी गई है, कैसे कोरकू का नाम पड़ा, तो इसके संबंध में ये जानकारी मिलती है कि बिंद और सतपुड़ा पे कुछ लोग जड़े खोदते थे, पौधे की जड़ों को खोदते थे, तो उन्हीं को कोरकू कहा जाने लगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। और वेरियन एल्विन ने भी अपनी पुस्तक में ये बताया है कि कुछ लोग ऐसे थे जो भाई बहनों से ही अपने यौन संबंध स्थापित किए और आगे चल के महादेव ने उनका विवाह करवा दिया और जो संतानें उनसे उत्पन्न हुई वही क्या कहलाई, कोरकू। विवाह के उपरांत जो संतानें उनसे उत्पन्न हुई वही क्या कहने लगी, कोरकू कहलाने लगी। तो यहाँ पर हमारे दोनों कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजात स्वयं को सबरी की संतान मानती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी कमार जनजाति, ऑप्शन सी कोल जनजाति या ऑप्शन डी सहरिया जनजाति। तो सबरी मुख्य रूप से कोल जनजाति से संबंध रखती थी और कोल जो जनजाति के लोग हैं वो अपने आप को सबरी की ही संतान मानते हैं। अब कोल जनजाति अगर सामान्य सी चर्चा की जाए तो इनके संबंध में ये जानकारी मिलती है, ये मुख्य रूप से आपको रीवा के
रीवा जिले के जो बर्दी राजा क्षेत्र है, बर्दी राजा क्षेत्र है, वहाँ पर इनका मूल निवास माना गया है। और अगर ये बर्दी राजा क्षेत्र में भी एक स्थान की बात करें तो कराली गांव है, कराली गांव, वहाँ पर अपने आप को ये अपना मूल स्थान मानते हैं। ये मानते हैं कि हमारा जो उत्पत्ति हुई है इसी स्थान से हुई है। अब ये जो अपना क्षेत्राधिकार मानते हैं कोल जनजात, वो मुख्य रूप से गंगा के घाटी क्षेत्र को मानते हैं। अब कोलों में बहुत खास खास बात होती है, तो चलिए अगले प्रश्नों पे आएंगे और धीरे धीरे अपनी चर्चा कोलों पे कितने और प्रश्न बन सकते हैं, किसके अनुरूप और क्या जानकारी हो सकती है प्रश्नों के अनुरूप, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, रामायण में कोल, महाभारत में कोल या मांडा के कोल। अब दूसरे साइड है कोल दैत, राजा मड़निहा या कोल किरात। अब आपको बताना है, इनको मिलाना है, तो चलिए मिलाने का प्रयास करते हैं। तो रामायण में कोलों की जानकारी मिलती है कि जब राम भगवान, सीता जी और लक्ष्मण जी वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो चित्रकूट के समीप एक राजा हुआ करता था, चित्रकूट के समीप एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था कोल किरात। कोल किरात नाम का एक राजा रहता था चित्रकूट के समीप, जिन्होंने जो राम भगवान है उनकी क्या की थी, सहायता की थी। तो वहां पर जानकारी क्या मिलती है कोल किरात की रामायण में, तो पहले का क्या हो जाएगा तीसरा। फिर महाभारत में कोलों के बारे में क्या मिलता है कि कोल दैत्य का उल्लेख मिलता है। अब कोल दैत्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है कि बहुत ही असुरी प्रवृत्ति के, असुरी मायावी प्रवृत्ति का राजा था जो कोल दैत्य कहलाया। ये जानकारी को परिपूर्ण करता है गार्गी संहिता, गार्गी संहिता। और आपको पता है कि गार्गी किसके लिए जानी जाती हैं, गार्गी याज्ञवल्क्य के साथ जो इनकी शास्त्रास्त्र हुआ था उसके लिए जानी जाती हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ इन्होंने शास्त्रास्त्र किया था गार्गी ने, तो जनक के, जनक जी जो थे उनके गुरु याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, और उन्हीं के उसमें दरबार में गार्गी भी रहते थे, तो उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ। इसके बारे में आप कहानियाँ सुन लीजिएगा कैसे शास्त्रार्थ हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा महाभारत के कोल में कोल दैत्य, और तीसरा है माड़ा के कोल। माड़ा के कोल की अगर बात की तो माड़ा जो स्थान है ये आपके सीधी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, सीधी, सीधी में भी एक स्थान है बैढ़न, जिसको क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। यहीं पर क्या स्थापित हुआ है, एनटीपीसी ने क्या स्थापित किया है, परमाणु विद्युत घर स्थापित किया। अब माड़ा के कोल की बात करें तो इनके बारे में ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर माड़ा में एक राजा था, राजा मड़निहा, राजा मड़निहा, जिसने राणा प्रताप की, राणा प्रताप की 1576 की जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध, उस पर क्या किया था, इन्होंने सहायता प्रदान की थी। तो हम तीनों की चर्चा कर लिए कि रामायण में कोल, कोल किरात की जानकारी मिलती है, महाभारत में कोल दैत्य का वर्णन मिलता है, और माड़ा के कोल राजा मड़निहा थे। तो इसी के आधार पे हम अपना मिलान करेंगे। तो रामायण के कोल मतलब कोल किरात, एक का तीन होना चाहिए, ठीक है, दो का एक होना चाहिए, ये सही है, और एक का दो होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए कोल के बारे में, ये कौन थे कोल, इसके संबंध में चर्चा हो रही थी और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद में कई सारी लोगों का जिक्र मिलता है, जैसे निषादों का जिक्र मिलता है, चंडालों का जिक्र मिलता है, उसी तरह एक जिक्र मिलता है, एक शब्द का, एक जाति का जिक्र मिलता है, कोलहटी, कोलहटी। और विद्वान ये मानते हैं कि यही कोलहटी आगे चल के कोल कहलाने लगे, इसीलिए कोलों का जो वो था
उत्पत्ति है वो ऋग्वेद में भी मानी गई है। अब अगला है, किस ग्रंथ में कोल दैत्य का वर्णन मिलता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गार्गी संहिता, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गार्गी संहिता। इसके बारे में भी हमने अपनी चर्चा कर ही ली है। अगला प्रश्न है, हर होर किस जनजाति के उपनाम है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोल जनजाति, ऑप्शन बी गोंड जनजाति, ऑप्शन सी कोरकू जनजाति, ऑप्शन डी सहरिया जनजाति। हर होर, इसका अगर सामान्य अर्थ निकाला जाए कि इसका सामान्य अर्थ क्या होगा, तो ये मुंडा भाषा परिवार से संबंध शब्द है। मुंडा भाषा परिवार के शब्द है और हर होर का अर्थ होता है मानव। अब जो हर होर थे ये मुख्य रूप से कोल जनजाति अपने आप को एक दूसरे को पुकारने के लिए करते थे। तो वैज्ञानिकों ने जो समाजशास्त्री हुए उन्होंने ये अंदाज लगाया कि यही आगे चल के क्या कहलाने लगे, कोल कहलाने लगे, कोल कहलाने लगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोल जनजाति। अब देखिए, अगर कोल जनजाति की भाषा परिवार की बात किया जाए तो इसको आस्ट्रिक परिवार का बोला जाता है। आस्ट्रिक भाषा परिवार के ये सदस्य माने गए हैं। अब इनकी क्या खासियत होती है, आस्ट्रिक परिवार वाले जो लोग होते हैं उनके क्या खासियत होती है? मध्यम कद होगा, मध्यम कद, उथला माथा होगा, बड़े व मोटे होंठ होंगे, ओष्ठ। तो इनकी कुछ खासियत होती है आस्ट्रिक परिवार के लोगों की, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रलाइड होते हैं उसी प्रकार ऑस्ट्रिक भाषा वाले लोग भी होते हैं। अब कोल जनजाति को कुछ विद्वान कोलारिन भी बोलते हैं, कोलारिन। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोलारिन का संबंध किससे है, कोल से है। कोलारिन किस प्रजाति से संबंध रखते हैं, तो ऑस्ट्रिक भाषा प्रजाति से संबंध रखती है। हर होर का संबंध किससे है, तो कोल जनजाति से है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी भील जनजाति, ऑप्शन सी कोल जनजाति, ऑप्शन डी कोरकू जनजाति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोल जनजाति। अब अगर कोलों की बात की जाए तो कोल आपको पता है कि कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से इनका निवास पाया जाता है। सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, जबलपुर, यहाँ पर इनका निवास स्थान मुख्य रूप से पाया जाता है। और हर जगह हर जिले में कुछ कुछ विशेष उपजातियाँ कोलों की पाई जाती है, उनकी विशेष भाषा होती है। बघेली भाषा तो चूँकि ये इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ये बघेली भाषा अनेक मिश्रण के साथ, चाहे छत्तीसगढ़ी मिश्रण हो या फिर बुंदेली मिश्रण हो, उससे मिश्रित होकर अनेक रूप धारण कर लिया। इसीलिए इनके उपजातियाँ भी अलग अलग प्रकार की पाई जाएंगी। जैसे कगबारिया का नाम सुना होगा आपने, इसके अतिरिक्त रौतिया का सुना होगा, रौतेले का सुना हुआ, ठाकुरिया का सुना होगा। तो ऐसे कई उपजातियाँ आगे चल के बनी जो विभिन्न अलग अलग अंचलों में पाई जाती हैं। इसके संबंध में भी आगे प्रश्न बने हुए हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो कोल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है और लगभग हमारे मध्य प्रदेश के 11.67 लाख लोग किस जनजाति से संबंध रखते हैं, कोल जनजाति से संबंध रखते हैं। और अगर इनके परसेंटेज की बात की जाए कि कितने परसेंटेज लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो 7.6%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 11.5 लाख लोग कोल जनजाति से संबंध रखते हैं और पूरे मध्य प्रदेश का 7.6% जनसंख्या है। अब जैसे 21.1% हमारे यहाँ टोटल क्या है, एसटी की जनसंख्या है। आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का प्रतिशत है? तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि इसका सही उत्तर क्या होगा, 7.6% है। आपको अगर बता दूं कि टोटल 21.1% क्या है हमारे यहाँ, एसटी जनसंख्या है। इन एसटी जनसंख्या में 37% लगभग क्या है, भील है। 33% क्या है आपका,
गोंड है, और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है 7.6% के साथ, आपकी कोल जनजाति। आगे चलते हैं, रौतले किस जनजाति की उपजाति है, रौतले किस जनजाति की उपजाति है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोल जनजाति, ऑप्शन बी गोंड जनजाति, ऑप्शन सी भील जनजाति, ऑप्शन डी कोरको जनजाति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कोल जनजाति। हमको पता है रौतले रौतले रौतिया कगवारिया बिंज ये सब किसकी उपजातियां हैं, कोल जनजाति की। गोंड के बारे में आपको पता ही है, गोंड दो भागों में पाए जाते हैं, एक निवास स्थान के आधार पे, एक व्यवसाय के आधार पे। तो व्यवसाय के आधार पे जैसा कि आपने सोलहास का नाम सुना होगा, सोलहास, प्रधान, ओझा, फिर यहाँ पर जैसे मुड़िया का नाम सुना होगा जो व्यवसाय जो निवास के आधार पे होता है, मुड़िया, धुरगोंड और राजगोंड, ऐसे नाम सुने होंगे। इसमें अगरिया भी आता है, फिर कोयला भूतीस भी आती है, कोयला भूतीस जो मुख्य रूप से नाच गाने वाला काम करते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। अब अगर भील की जनजाति की बात करें तो भील में आपको पता ही है कि जैसे भिलाला, पटेलिया, रथियास, उमड़ी, तड़वी। अब उमड़ी और तड़वी के बारे में जानकारी मिलती है कि ये लोग इस्लाम धर्म को ग्रहण करने वाली भील जनजाति थी। अब जैसे कोरको जनजाति में आपका पोथरिया कोरको मिलता है, राज कोरको मिलता है, इसके बाद नहाला, रूमा जैसी बौबई जैसी जनजातियाँ मिलती हैं, उपजातियाँ मिलती हैं किसके संबंध में, कोरको जनजाति के संबंध में। तो ये हमारी पूरी उपजातियों के संबंध में हो गई। अब जैसे लिखा है अगला प्रश्न, कोल जनजाति की उपजातियाँ है, हमारे ऑप्शन है रौतिया, रौतिया, दशोरा, रेवरिया। अब यहाँ पर आपको उत्तर बताना है, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक दो और तीन, या डी एक दो तीन चार। तो इसका सही जवाब होगा सभी सही हैं, ये सभी क्या हैं, कोल की उपजातियाँ हैं। तो इसको रटने वाली चीज़ है, रट लीजिए, रौतिया, रौतिया, दशोरा, रेवरिया, कगवारिया, बिंज जैसी और भी उपजातियाँ है, ठाकुरिया, कगवारिया। अब अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, हमारे ऑप्शन है सतना, सैडोल, सीधी, जबलपुर, और यहाँ पर ऑप्शन है रैतुआ, नरछिया, ठाकुरिया या कथारिया। तो आपको बताना है, अब जैसे कि बताया था मैंने कि अलग अलग अंचलों में निवास करने वाली जातियाँ उपजातियाँ कोलों की अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करने लगी, और उन्हीं आधार पर इनके अलग अलग नाम निर्धारित कर दिए गए। उसी को आपको बताना है कि सतना क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, कौन सी उपजाति पाई जाती है कोलों की, सैडोल में कौन सी उपजाति पाई जाती है, सीधी में कौन सी पाई जाती है, और जबलपुर में कौन सी पाई जाती है। तो अगर बात की जाए कि सतना के क्षेत्र में, सतना में पाई जाती है आपकी कथरिया। अब यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर लिखना, टाइप होना हमारे भारत जी को नहीं आया है, टाइप नहीं कर पाए किसी वजह से। तो सतना क्या हो जाएगा, सतना में पाई जाती है कौन सी जनजाति, कथरिया। सहडोल की अगर बात की जाए तो सहडोल में नरछिया पाई जाती है, नरछिया। सीधी की बात की जाए तो सीधी में पाई जाती है रैतुआ, और जबलपुर में पाई जाती है कौन सी, ठकुरिया। तो ये कुछ इसका संबंध होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता, 4-2-1-3, 4-2-1-3। अगले प्रश्न पे आते हैं, कोलों के धार्मिक नेता है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बरुआ, ऑप्शन दो भुइयार, ऑप्शन सी न्यूतिहा, या अब तीन ही ऑप्शन है, इसके आधार पर दिए हैं कथन, स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है। जैसे कथन एक केवल सही है, बी केवल दो सही है, सी में केवल एक और दो सही है, और डी में एक दो तीन तीनों सही है। तो इसका सही जवाब होगा एक और दो, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर। देखिए बरुआ जो होते हैं ये इनके पंचायतों के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। बरुआ की क्या खासियत होती है कि ये आपके जब नवदुर्गन का समय आता है, नवदुर्गा का, उस टाइम पे इन पे देवी का वास हो जाता है, देवी का वास,
और गांव के सभी जो कोलन टोला के जो लोग होते हैं वो सब आते हैं इनके साथ इनके पास, ताकि ये क्या कर दें, उनका इलाज कर दें, उनके जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर हाथ रख दे और वो व्यक्ति ठीक हो जाए। बुहार को गुनिया या पांडा भी कहा जाता है, पंडा पंडा भी कहा जाता है। ये जादू टोना झाड़ फूक वाले काम करते हैं, जादू टोना और झाड़ फूक वाले। साथ ही ये कोलों का विवाह भी संपन्न करवाते हैं, विवाह वाली गतिविधियों को भी ये आगे रह के काम करवाते हैं। और अगर बात की जाए कि भुईहार और क्या खास काम करता है, तो होली के टाइम पे जो होलिका दहन होता है तो उस पर पहली आग जिसके द्वारा लगाई जाती है वो कौन सा व्यक्ति होता है, भुईहार होता है। बरुआ के बारे में और खासियत है, खास बात है कि जब किसी प्रकार की आपदा आती है गाँव में तो लोग किसके पास जाते हैं अपनी सहायता मांगने, बरुआ के पास जाते हैं। अगला है, किसी भी आपदा के समय कोल जनजाति के सदस्य सलाह मशवरा किससे करते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बरुआ, ऑप्शन बी भुईहार, ऑप्शन सी न्यूतिहार या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बरुआ। अब देखिए, बरुआ भुईहार के बारे में मैंने आपसे बता दिया। न्यूतिहा क्या होता है, न्यूतिहा निमंत्रण देने वाला व्यक्ति होता है। जब कोई फंक्शन होता है इन जनजातियों में तो एक व्यक्ति का कार्य रहता है कि वो जगह जगह जा के अपने परिवार को बुलाए, उसको क्या बोला जाता है, निमंत्रण, न्यूतिहा। वो व्यक्ति जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूतिहा। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति में झाड़ भूख और जड़ी बूटियों से रोगों का इलाज करने वाले क्या कहलाते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बरुआ, ऑप्शन बी भुईहार, ऑप्शन सी न्यूतिहा या ऑप्शन डी गोहिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भुईहार। अरे गोहिया क्या होती है, गोहिया इनके क्या होती है, पंचायत होती है, पंचायत। और जिसके प्रमुख को क्या बोला जाता है, मुकद्दम या चौधरी। इसके प्रमुख को क्या बोला जाता है, मुकद्दम या चौधरी। अगले प्रश्न पे आते हैं, भुईहार के संबंध में सत्य कथन है, कोलों के धार्मिक नेता बरुआ के बाद महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसका अन्य नाम ओझा, पंडा या देवार होता है। नंबर तीन, पूजा पाठ करना अनुष्ठान की विधियों में ये पारंगत होते हैं, पूजा पाठ या अनुष्ठान की विधियों में ये पारंगत होते हैं। अब इसके आधार पर कथन दिया गया है कि कथन एक केवल सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है या फिर एक दो तीन तीनों सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक दो और तीन तीनों सही है। देखिए, भुईहार के बारे में मैंने जो चीज़ बताई वो यहीं पर लिखी हुई है और इसी आधार पे हमको उत्तर भी देना था। अगले प्रश्न पे आते हैं, कोल जनजाति के शादी समारोह में न्योता देने का कार्य कौन करता है। तब ये भी हमने इसकी चर्चा भी कर ली, इसका सही जवाब क्या होगा, न्यूतहा, न्यूतिहा, न्यूतिहा। न्योता मतलब निमंत्रण देने का, न्यूतिहा न्योता ये बहुत चलता है बघेलखंड के जो लोग होंगे उनके लिए आसान सा शब्द है, न्यूतिहा किसको कहते हैं, न्योता किसको कहते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। हालांकि जो मध्य भारत के लोग होंगे, जो मालवा के लोग होंगे, उसके लिए थोड़ा सा कठिन शब्द लग रहे होंगे, लेकिन आसान है। आप जनजातियों को इतना कठिन मत समझिए, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और अगर आप लगे रहेंगे चीज़ों को, धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। पीएससी वैसे भी इन सब मुद्दों पे बहुत कठिन सवाल नहीं पूछा है आज तक और ना आगे पूछने जाने की संभावना है। कई व्यक्ति को लग रहा होगा कि सिलेबस चेंज हो गया है इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब कुछ अलग प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो वही सिलेबस है जो मेंस में शामिल था पहले या कुछ प्री में शामिल था, तो उन सबको मिक्स करके एक जगह स्थापित कर दिया गया है, यूनिट 10 में उसको शामिल कर लिया गया है। अगले प्रश्न में आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी गोहिया, गोहिया के बारे में हमने बता ही दिया। पंचायत क्या काम करती है, पंचायत बहुत ही बेहतर रूप से सभी पंचों के माध्यम से करती है, कई सारे गाँव मिल के जो इनके गाँव होते हैं उनको बोला जाता है क्या, कोलिन टोला, कोलिन टोला बोला जाता है। अब क्या होता है कई बार कि किसी गांव में बहुत ज़्यादा घनी आबादी होती है या फिर जो गांव होता है बहुत ही घने रूप से बसे होते हैं, कई सारे लोग वहां पर निवास कर रहे होते हैं, बहुत ही जनसंख्या घनत्व वहां का कोलों का बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कोल्हान बोला जाता है, कोल्हान।
अभी मैं वही बता रहा हूँ कि रीवा, सतना, सीधी, शहडोल के जो लोग होंगे उनको इस शब्द के बारे में जानकारी होगी, कोलिन टोला के बारे में भी जानकारी होगी। अब इनके जो घर होते हैं उन घर को बोला जाता है मड़ैया, मड़ई या मड़िया। इनके घर को, जो इनके घर बने होते हैं उनको मड़ई या मड़िया बोला जाता है, जो मुख्य रूप से घास फूस से बने होते हैं और कच्चे प्रकार के होते हैं। हालांकि अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसके तहत आपको पता है, जैसा कि इस बार अंतरिम बजट में किया गया था कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को क्या दिया जा चुका है, 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर आवास प्रदान कर दिया जा चुका है। और ये लक्ष्य अभी भी निर्धारित है, अभी भी मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति छूट गए थे उसके लिए अलग से योजना चलाई जा रही है, उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये हो गई क्या आपकी कोलों की बात, आगे चलते हैं। कोल पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोहिया, ऑप्शन बी मुकद्दम, ऑप्शन सी देवार या ऑप्शन डी परवा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुकद्दम। मुकद्दम को ही क्या कहा जाता है? चौधरी कहा जाता है। और इस चौधरी की क्या खास बात होती है, इस मुकद्दम की क्या खास बात होती है कि कोई भी काम, चाहे विवाह का काम हो या कोई भोज का काम हो, कोई उत्साह का या कोई आयोजन का कार्य हो, सब किसकी अनुमति के बाद ही आयोजित होंगे? मुकद्दम की अनुमति के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। तो कोल पंचायत के मुखिया की एक खास अधिकारिता होती है। आगे प्रश्न आते हैं, कोल समुदाय से संबंधित कोदई भाजी क्या है? ये कोदई भाजी है, कोदई भाजी क्या है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी दंड या ऑप्शन सी सम्मान या ऑप्शन डी पद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी दंड। देखिए, जब किसी व्यक्ति को, जो कोल जनजात से संबंधित व्यक्ति होता है, जब उसको पंचायत दंड देती है तो उसको एक कार्य करना पड़ता है। वो किससे संबंध में होता है? कोदई भाजी के संबंध में। अब कोदई भाजी की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है कि जिस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा उस व्यक्ति के घर पे पूरे गांव वाले और जो पंचायत के पंच होते हैं, पंच और गांव वाले, उन सबको भोज का आयोजन करवाया जाएगा, भोज का आयोजन, भोज का आयोजन करवाया जाएगा, उसी को बोला जाता है क्या? कोदई भाजी। अब कोदई भाजी इसलिए आसान सा नाम बोल दिया गया क्योंकि कोदई भाजी ऐसा भोज पदार्थ होता है जो गरीब से गरीब, जो कोल जनजाति के लोग हैं उसको ये उपलब्ध रहता है, इसलिए इस दंड को आसान बनाने के लिए कोदई भाजी का रूप दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कोलों की जातीय पंचायत के संबंध में सत्य कथन है या गोहिया कहलाती है, दंडित व्यक्ति को पूरे गांव व पंचों को भोज देना होता है, दंड को कोल कोदई भाजी कहते हैं, यदि दंडित व्यक्ति या परिवार पंचायत के निर्णय से अप्रसन्न होता है तो उसकी बात सुनने के लिए पुनः पंचायत बुला जा सकती है। अब इसके संबंध में हमारे स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए में 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी में 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी में 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन 4, 1, 2, 3 और 4 सही है। तो जल्दी से इसका जवाब कमेंट में दे दीजिए, अभी इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ही ली है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी। देखिए, जो इनकी पंचायत होती है बड़ी ही लोकतांत्रिक तरीके की होती है, यहाँ पर सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। जैसा कि हमारे न्यायपालिका के सिस्टम में हम PIL दायर कर सकते हैं या फिर हमारे मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 एवं आर्टिकल 226 का प्रयोग करके सीधे हम न्यायालय के पास जा सकते हैं। उसी प्रकार पंचायतों में भी, जो कोलों की पंचायत होती है, अगर लोगों को वो निर्णय पसंद नहीं आता है, वो जो दंड का विधान है वो पसंद नहीं आता है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है? फिर से पंचायत को आमंत्रण दे सकता है या फिर उनके से गुजारिश कर सकता है कि हमारे पक्ष को पुनः सुना जाए, हमारे पक्ष जो हम आपने निर्णय दिया है उसके बारे में हम प्रसन्न नहीं हैं, वो हमारे अनुरूप नहीं हुआ है। तो अंतिम न्याय, सुखद न्याय और जो प्राकृतिक न्याय है वो स्थापित हो सके, इसी के लिए पुनः पंचायत बुलाई जा सकती है। तो इसके चारों कथन क्या होंगे? सत्य होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमारे ऑप्शन है कोलिन टोला, कोल्हान, मड़िया या मदाइन। अब दूसरी ओर लिखा हुआ है, महुआ की मदिरा, घास फूस से बने मकान, कोलों की घनी आबादी या कोल जनजाति का गांव। तो जल्दी से मिलाने का प्रयास कीजिए।
चलिए इसको हम मिलाते हैं। देखिए जैसे कोलिन टोला की अगर बात करें तो क्या होता है, अभी जैसा कि मैंने बताया कोलिन टोला कोल जनजाति का निवास स्थान होता है, गांव होते हैं उनके, तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, कोल जनजाति के गांव, तो ए का चार हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, ए का चार, तो अब देखिए बी वाला जो ऑप्शन है सीधा सीधा मिल रहा है, लेकिन हम आगे भी करेंगे। जैसे पीएससी में क्या होता है, कई बार हमको ये सारे मालूम नहीं होते हैं कि क्या होंगे, तो एक दो मिला के चेक कर लीजिए, करिए, अगर एक दो मिल जाता है तो आंसर आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब कोल्हान क्या होता है, कोल्हान वो स्थान होता है जहाँ पर कोलों का घनी आबादी होती है, तो बी का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। फिर मड़िया क्या होता है, मड़िया आपको जैसे कि मैंने बताया कि घास फूस से बने इनके मकान होते हैं, तो सी का दो हो जाएगा। और मदाइन क्या होता है, मदाइन महुआ से बनी हुई शराब होती है। अब देखिए जो महुआ की शराब है अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम मिलते हैं, तो कई सारे मैं नाम आपको बता चुका हूँ इसके संबंध में, जैसे माहुल, सीडू और मदाइन, इस प्रकार कई सारे नाम आपको इसके बारे में बता जा चुका है। साथ ही आपने देव अन्य का नाम सुना होगा, देव अन्य, देव अन्य भी मुख्य रूप से महुआ से ही बनता है। तो ये कुछ खास बात होती है, मदाइन होती है महुआ की मदिरा। अब कोलों में क्या होती है कि एक और चीज बनती है जो बोलती है महुआ की रोटी, जिसमें आटे के साथ आटे प्लस महुआ का मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं सोहारी, जो स्थानीय भाषा होती है, बघेली भाषा होती है, उसमें इसको सोहारी कहा जाता है। तो सोहारी भी बहुत फेमस इनका खाद्य पदार्थ है। तो मदाइन क्या होती है, महुआ की मदिरा, और अगर पूछ ले कि सोहारी क्या होती है, तो इनकी रोटियां होती हैं, कोल जनजातियों की रोटियां होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4321। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, आपको बताना है कि घोटुल, भगोरिया हाट, बेवार और कर्मा, इन ये किससे संबंध रखते हैं। हमारे ऑप्शन है भील जनजात, बस्तर की मुड़िया जनजात, बैगा चक के बैगाओं द्वारा की जाने वाली झूम खेती, या पूर्वी मध्य प्रदेश में प्रचलित नृत्य व गीत। तो इसका सही जवाब चलिए देने का बात करते हैं। जैसे घोटुल की अगर बात करें तो घोटुल किससे संबंध रखती है, मुड़िया जनजात से संबंध रखती है, जो एक प्रकार का क्या है, घोटुल युवा गृह। भगोरिया हाट भील जनजात से संबंध रखती है, और मध्य प्रदेश के 70 से अधिक स्थानों पर, 70 से अधिक स्थानों पर इसका आयोजन होता है, जो मुख्य रूप से कहाँ होता है, झाबुआ में होता है, मुख्य रूप से झाबुआ में इसका आयोजन होता है। बेवार की अगर बात करें तो बेगार, आपको पता है कि बेवार क्या है, बेवार बैगाओं के द्वारा की जाने वाली झूम खेती होती है, इसको, इस झूम खेती को क्या बोलते हैं, बदलवा भी बोला जाता है, बदलवा या पोंडू या दाहिया या चिमाता, झूम खेती के अलग अलग नाम अलग अलग जनजाति द्वारा दिए गए हैं। अब कर्मा क्या होता है, कर्मा के बारे में आपको पता है, कर्मा एक नृत्य शैली है। अब कर्मा की नृत्य शैली जो होती है मुख्य रूप से चार विधाओं में आधारित होती है, पैरों की थाप के आधार पर ये चार प्रकार के हो सकते हैं इनकी जो नृत्य विधा होती है, जैसे कर्मा खड़ा, कर्मा खाप, कर्मा झूलनी या कर्मा कर्मा लहंगी, ये चार विधाएं हो सकती हैं, और ये जो चारों विधाएं हैं ये गोंड और बैगाओं द्वारा बेहतर रूप से किया जाता है, गोंड प्लस बैगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जनसंपर्क विभाग ने जनजातियों के संबंध में परिचय निकाला था, तो उसमें ये जानकारी मिलती है, और वो जब बैगा के बारे में लिखते हैं, जनजाति जो आपका जनसंपर्क विभाग है बैगा के बारे में लिखा था, तो उसमें ये सारे चित्रों का वर्णन मिलता है, चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, कर्मा खड़ा, कर्मा खाप, कर्मा झुलनी, कर्मा लहगी किससे संबंध रखती हैं, आपके कर्मा नृत्य से, जो मुख्य रूप से किस देवता को प्रसन्न करने के लिए होता है, क
कर्म देवता को। प्रतिस्पर्धात्मक रूप से किया जाने वाला नृत्य होता है, प्रतिस्पर्धात्मक नृत्य होता है। आगे चलते हैं, इसमें भी आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि कौन से क्षेत्र में कौन से जनजाति निवास करती है। तो मंडला, झाबुआ, जबलपुर, बैतूल, हमारे ऑप्शन है कोरकू, मारिया, भील एवं बैगा। तो मंडला में आपको पता है मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है, बैगा। झाबुआ में निवास करती है भील। जबलपुर में निवास करती है कोरकू, माफ़ कीजिएगा, जबलपुर में निवास करेगी माड़िया, और बैतूल में निवास करेगी कोरकू। हमको पता है बैतूल का जो मूल निवास बैतूल में ही सामलीगढ़ और भवरगढ़ है, जो कोरकुओं का मूल निवास माना जाता है। मंडला में बैगाओं का निवास स्थान है, ये हमको पता है। झाबुआ भील में, भील मुख्य रूप से झाबुआ में संकेंद्रित है, और जबलपुर में माड़िया। माड़िया किसकी उपजाति है, तो ये गोंडों की उपजाति है, और मुख्य रूप से अगर माड़िया की बात किया जाए तो वो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। अगले में चलते हैं, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी मुड़िया, ऑप्शन सी दंडामी, ऑप्शन डी कोरकू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुड़िया। मुड़िया से संबंधित कौन सा नृत्य है, गौर नृत्य। गौर नृत्य स्त्री परक नृत्य है, स्त्रियों को द्वारा किया जाता है। बैगा की अगर नृत्य की बात किया जाए तो बैगा में प्रमुख नृत्य है परधौनी नृत्य, रीना और कर्मा, और एक और नृत्य होता है अहिराई नृत्य। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ जनसंपर्क विभाग में लिखी हुई है। फिर अगर कोरकू की बात की जाए तो कोरकू के बारे में, कोरकू के नृत्य में चटकोरा नृत्य, चटकोरा नृत्य प्रसिद्ध है, जिसको धापरी भी कहा जाता है, जो बैसाख माह में मनाया जाता है। कल इसके बारे में हमने चर्चा की थी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी लुसाई, ऑप्शन सी माड़िया, ये ऑप्शन डी अनगामी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी माड़िया। और अभी हमने कहा जाना था कि कहाँ पर पाई जाती है, जबलपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब संथाल तो आपको पता है, संथाल झारखंड और जो बिहार वाला रीजन है वहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पेपियार मोचे मैस मैसे, पेपियार मैसे है एक्चुअल में ये, पेपियार मैसे जो कला है वो किससे संबंधित है। ये प्रश्न पीएससी एक्चुअल में पूछ चुका है, इसलिए आपसे पूछा गया है कि पेपियार मैसे कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरसिंहपुर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी रीवा, या ऑप्शन डी बुरहानपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उज्जैन। अब देखिए, जो ये पेपियार मैसे कला होती है ये मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है, कागज़ की लुगदी का नाम आपने सुना होगा, कागज़ की लुगदी। अब ये जो प्रश्न है, पीएससी ने एक एग्ज़ाम होता है एडीपीओ, तो एडीपीओ के एग्ज़ाम में इसने पूछा था पेपियार मैसे कला किससे संबंधित रखती है, संबंध रखती है। तो आपको ध्यान रखना है किससे संबंध रखती है, कागज़ की लुगदी से। अब कागज़ की लुगदी से विभिन्न कलात्मक वस्तुएं बनाई जाएंगी, जैसे खिलौने, सजावट के सामान, मूर्तियाँ और मटके, वगैरह सब हल्के सामान बनाए जाते हैं, हल्के मटके टोकरी सब बनाए जाते हैं किससे, पेपियार मैसे से। अब ये बनता कैसे है कि विभिन्न कागजों में क्या किया जाता है, उसको गला दिया जाता है, गलाने के बाद उसको मैस कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा मैस करते हैं, मैस करने के बाद उसको सुखा लिया जाता है, और आवश्यकता अनुसार इसको आटे के जैसे गूंद के, जो जिप्सम का, पात्र होता है जिसमें विभिन्न आकृतियां हम बनाए जा सकते हैं, मूर्तियां बनाने का जो एक सांचा होता है, तो जिप्सम से बना हुआ सांचा होता है उस पर डाल दिया जाता है, और
मूर्तियों को या कोई खिलौना है उसको बना लिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलता है? उज्जैन में देखने को मिलता है। उज्जैन के भैरवगढ़ में आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस एक शिल्प है जिसको बोलते हैं क्या, छीपा शिल्प। इसी को क्या बोला जाता है, बाटिक प्रिंट। और बाटिक प्रिंट की क्या खासियत होती है कि इसको किस में शामिल कर लिया गया है, GI टैग में। इसके अतिरिक्त कौन सी कला को हमारे यहाँ GI टैग में शामिल कर लिया गया है? तो आपने नाम सुना है गोंड आर्ट। और अभी हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, ब्रिक्स के सम्मेलन में गए थे, तो उन्होंने ब्राज़ील के जो प्रधानमंत्री थे उनको गोंड आर्ट प्रस्तुत की थी, उनको गिफ्ट किया था। और अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ था उसके तहत भी कई सारे जो विदेशी राष्ट्र प्रमुख आए थे उनको भी हमने क्या किया था, गोंड आर्ट प्रस्तुत किया था, दिया था उनको। ये बात हो गई हमारी किसकी, गोंड आर्ट पे हो गई, छीपा शिल्प पे, बाटिक प्रिंट पे हो गई, GI टैग इनको मिला है। फिर आपसे एक बार मैंने प्रश्न पूछा था कि GI टैग कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, तो आपने शायद कमेंट में बताया नहीं था, तो उसको कमेंट कर दीजिए जल्दी से। अब नरसिंहपुर वाला क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, आपको पता है कि ये धातु के, पीतल के, मुख्य रूप से पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है। रीवा सुपाड़ी के खिलौने के लिए जाना जाता है, सुपाड़ी के खिलौने। और सुंदर राजा आम, रीवा का जो सुंदर राजा आम है उसको क्या मिला है, GI टैग। सुंदर राजा आम जो है उसको GI टैग मिला है। और बुरहानपुर भी अपने किसके लिए जानी जाती है, अपनी एक कला के लिए जानी जाती है जो प्राचीन काल से ही जो आपके कपड़ा कला है, कपड़ा में विभिन्न प्रकार की जो आकृतियों के लिए जानी जाती है, बुरहान केंद्र, बुरहानपुर। तो कपड़ा प्रिंट उद्योग के लिए जानी जाती है। अब आपको कमेंट में बताना है कि जैसे एक आपने नाम सुना होगा छीपा शिल्प या बाटिक शिल्प, बाटिक प्रिंट या बाघ प्रिंट, उसी प्रकार से बुरहानपुर में भी एक प्रिंट चलती है, उस प्रिंट का क्या नाम है, तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। नहीं मिलेगा तो कल मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, पर आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति और उससे संबंधित उपजाति नहीं है। ये भी प्रश्न आपके PSC ने पूछ चुका है और उसी के आधार पर दिया गया है। जैसे ऑप्शन ए जो हमारे विकल्प हैं उसमें है गोंड, भील, बैगा, भारिया, और उसके सामने हैं उनकी उपजातियाँ नागरची, भील के सामने बरेला, बैगा के सामने बिजबार, या भारिया के सामने आपका रोहिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए गोंड की नागरची सही है, भील की बरेला भी सही है, बैगा की बिजबार भी सही है, और भारिया की रोहिया सही नहीं है, क्योंकि हमको पता है भारिया की तीन उपजातियाँ हमको देखने को मिलती हैं। एक कौन सी है, आपकी भूमिया, दूसरी है भुईहार, और तीसरी है पेंडो, पेंडा। तो तीन ही हमें कोई इसकी उपजातियाँ बताया, तो रोहिया इसकी उपजात नहीं है। रोहिया, रोतेले, ये किसकी उपजाति हैं, ये कोल की उपजाति हैं। तो ये आसान सा सवाल था, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। उज्जवन जनजाति संस्कार संबंधित है, जन्म संस्कार से, विवाह संस्कार से, नामकरण संस्कार से, या फिर दाह संस्कार से। तो उज्जवन मुख्य रूप से जो बैगा जनजाति होती है वहाँ पर ये देखने को मिलती है, और ये किसे संबंधित है, दाह संस्कार से। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे या तीन चीज़ें की जा सकती हैं, या फिर या तो जलाया जा सकता है, या दफनाया जा सकता है, या फिर जला के फिर दफना सकते हैं। अब पूछ लेंगे आप कि जला के कैसे दफनाएंगे, तब देखिए जलाया तो सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति जिसकी शादी वगैरह हो गई है तो उनको जलाया जाता है बैगा परंपरा के अनुसार। दफनाया कब जाता है, जब कोई व्यक्ति अविवाहित होता है या फिर बच्चा होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। अब क्या होता है, कई बार जलाने के उपरांत किसी की पूर्ण रूप से जल नहीं पाता है, तो उसके हड्डियां जो बचती हैं उनको एक घड़े में, मटके में रख लिया जाता है, उनको फिर दफना दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ विधि होती हैं, किससे संबंध रखती हैं, उज्जवन से, और उज्जवन का संबंध किससे है, दाह संस्कार से। ये प्रश्न भी PSC अपने एग्जाम पे पूछ चुका है, ये भी ADPO
2021 में पूछ चुका है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उज्बन अगर हम लोगों में रिपीट हो जाता है प्रश्न, तो आसानी से हमको ध्यान रखना है। किससे संबंध रखता है? दाह संस्कार से। अगला प्रश्न है, आदिवासी की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो केंद्र का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है अरुणिमा, ऑप्शन बी वन्या, या ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी नव जीवन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वान्या। तो वान्या ऐसे केंद्र होते हैं जो मुख्य रूप से जो आदिवासी रेडियो केंद्र होते हैं उनको बोला जाता है। और ये अभी आपको पता है सबसे पहला रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? अलीराजपुर पे। अलीराजपुर में सबसे पहला रेडियो केंद्र स्थापित किया गया था, जो भीली रेडियो केंद्र के नाम से जाना जाता है। उसके अतिरिक्त हमको पता है सहरिया रेडियो केंद्र स्थापित किया जा चुका है, कहाँ पर? श्योपुर पे। इसी के अतिरिक्त कोरकू रेडियो केंद्र स्थापित किया जा चुका है, कहाँ पर? आपके खंडवा पे। और आपको चलिए एक और प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ, जो मैंने आपसे कल पूछा था। आपसे मैंने पूछा था कि टांटिया जो भील विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो उसका सही जवाब होगा कहाँ पर? खरगोन पे। और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था। अब ये सवाल तो हो गया, इसका मैंने जवाब दे दिया, तो चलिए एक और सवाल का जवाब आप बताइए। टांटिया मामा से ही संबंधित है। आपको बताइए कि जो टांटिया मामा गौरव यात्रा निकली थी, गौरव यात्रा 2021 में निकाली गई थी, तो आपको बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक के लिए निकाली गई थी। टांटिया मामा गौरव यात्रा कहाँ से कहाँ तक के लिए निकाली गई थी? आपको मैं और थोड़ा सा हिंट भी दे दूं कि जो टांटिया मामा का जन्म स्थल है वहाँ से लेकर के उनके मृत्यु स्थल जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी, वहाँ पर जहाँ उनकी समाधि है वहाँ तक के लिए यात्रा निकाली गई थी। अब आपको बताना है दोनों स्थानों का नाम। चले अगले प्रश्न पे चलें। हमारा अगला प्रश्न है, भिलाला जनजाति की कौन सी शाखा नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरोतिया, ऑप्शन बी ओखे, ऑप्शन सी पटेलिया, या ऑप्शन डी बालिया। तो भिलाला जनजाति किससे संबंधित है? भिलाला जनजाति की ये तीनों क्या हो गई? उपजातियाँ हो गई। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन नरोतिया के बारे में हमको पता है कि नरोतिया किसकी है? उपजात बैगा की। बैगा के बारे में हमको पता है बैगा की नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, कठमैना, गोंडमैना, बिजवार, ये सब किसकी उपजातियाँ हैं? आपकी बैगा की। तो यहाँ भिलाला का इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पूछा क्या है कौन सी शाखा नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भिलाला जनजाति द्वारा दहेज को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दज, ऑप्शन बी दहेज, ऑप्शन सी देज, या ऑप्शन डी दिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देज। देखिए जैसे जनजातियों में वधू मूल्य का प्रचलन है, वधू मूल्य का प्रचलन है, उसी प्रकार भिलाला में भी प्रचलन मिलता है। लेकिन जैसे भील क्या बोलते हैं, भील इस चीज़ को क्या बोलते हैं? भील दापा बोलते हैं, दापा। लेकिन भिलाला इसको क्या बोलते हैं? भिलाला इसको बोलते हैं देज। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि देज जो शब्द है किससे संबंध रखता है, तो आपको ध्यान रखना है वो दहेज से संबंध रखता है, वधू मूल्य से संबंध रखता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, तीरथ भोजन मृत्यु संस्कार किस जनजाति द्वारा किया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी भिलाला, ऑप्शन सी भारिया, या ऑप्शन डी अगरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी भिलाला। देखिए तीरथ भोज मुख्य रूप से जब किसी भिलाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के तीसरे दिन किया जाने वाला सामूहिक भोज होता है। तो तीरथ भोजन का संबंध किससे है? भिलाला जनजाति से संबंध है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश से किस जनजाति को अठवीं जन्माष्टमी पर्व को कहा जाता है? किस जनजाति में अठवीं को जन्माष्टमी का पर्व कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पनिका, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी भील, या ऑप्शन डी भिलाला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भिलाला। तो भिलाला के लोग क्या होते हैं, जो जन्माष्टमी है उसको क्या बोलते हैं? अठवीं बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर उबा बाबा की पूजा की जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भारिया, ऑप्शन सी भिलाला, या ऑप्शन डी अगरिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भिलाला। अरे कई सारे फैक्ट हमको भिलाला के संबंध में मिलते हैं। बड़वा
किस जनजाति का धार्मिक गुरु होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारधी, ऑप्शन बी पनिका, ऑप्शन सी खैरवार, ऑप्शन डी भिलाला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भिलाला। तो भिलाला अपने किसको धार्मिक गुरु मानते हैं? बड़बा को। और एक प्रश्न आपसे मैंने काफ़ी दिनों पहले भी पूछा था, जब मैं पढ़ा रहा था आपको घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजात, उसमें पूछा था मैंने मान गुरु किसके धार्मिक गुरु होते हैं। मान गुरु किसके धार्मिक गुरु हैं? मान गुरु का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट बताइए, जल्दी से कमेंट दीजिए। चलिए ठीक है, तो मान गुरु का संबंध किस कौन सी जनजात से था? कंजर जनजात से था। तो ये बात हो गई हमारी बड़बा को लेके। अगले प्रश्न पे आते हैं, सात मात्रा की पूजा मध्य प्रदेश के किस जनजाति द्वारा की जाती है? हमारे ऑप्शन है कोरकू, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी भीलाला या ऑप्शन डी भील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भीलाला। ठीक है, सात मात्रा या शीतला माता, इनको शीतला माता भी कहा जाता है। तो इनकी पूजा किसके माध्यम से की जाती है? भिलाला के माध्यम से की जाती है। इसको वो लोग किस नाम से बोलते हैं? सात मात्रा। तो सात मात्रा और किसका? बड़वा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भिलाला जनजाति की स्त्रियों द्वारा मृत व्यक्ति के स्मरण में कौन सा गीत गाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नुक्ता, ऑप्शन बी कबाड़ा, ऑप्शन सी सेमल, ऑप्शन डी बल्लिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कबाड़ा। देखिए, भिलाला द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? कबाड़ा। ये कौन सा गीत है? मृत्यु गीत। इसी प्रकार कुछ और मृत्यु गीत और जनजातियों द्वारा गाए जाते हैं, जैसे खहुल पाटा भी एक मृत्यु गीत है, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा गाया जाता है? गोंड के द्वारा। एक होता है मसांडिया, ये इसी को बोलते हैं काया खोज, ये किसके द्वारा गाया जाता है? कोरकू द्वारा। और कबाड़ा किसके द्वारा गाया जाता है? भिलाला के द्वारा। तो ये कुछ क्या होते हैं? मृत्यु गीत होते हैं जो विभिन्न जनजातियों से संबंध रखते हैं। तो ये प्रश्न, इसका उत्तर ये हो गया। अगले में चलते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? अगरिया। और अगरिया के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि अगरिया काली मुर्गे की बलि देते हैं किसको? लोहासुर को। लोहासुर का निवास स्थान कहाँ मानते हैं? धधकती हुई भट्टी पे। तो दोस्तों, ये हमारी आज सामान्य सी चर्चा थी। अब देखिए, कई सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पर आज मुख्य रूप से कौन सी जनजातियों के बारे में आपसे बताया? कोल जनजाति के बारे में और आपकी भिलाला जनजाति के बारे में। अब कोल जनजाति के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, क्योंकि ये चर्चा का विषय रहा था। किसमें? एक दो फैक्ट और बता देता हूँ आपको, बस ध्यान रखिएगा कि ये खरवार समूह के लोग माने गए हैं समूह। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जो जानकारी है उसके तहत मैं लेके आया हूँ खरवार समूह। और दूसरी कोलवार के बारे में जानकारी मिलती है कि पाड़िनी ने, महर्षि जो पाड़िनी थे जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, उन्होंने कोलों को क्या कहा था? कोलों का संबंध कुल से बताया था, कुल शब्द से बताया था, जिसका अर्थ होता है समस्त या सभी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कोल के बारे में, ये दो चीज़ कि खैरवार समूह संबंध रखते हैं, खरवार या खेरवार। तो ये दो जानकारी मिलती है। और पाणिनि ने इनका संबंध किससे बताया था? इस शब्द का अर्थ कुल से बताया है, कुल मतलब समस्त या सभी। तो ये बात हुई हमारी किस पे? मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृत को लेके। अब हम अगली चर्चा जो करेंगे वो मुख्य रूप से रहेगी मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो योजनाएँ हैं, कब प्रारंभ की गई, कौन से प्रावधान हैं, कौन से उद्देश्य हैं और कौन कौन से प्रश्न इसके पहले पीएससी ने पूछ लिया है, कौन से विभागों संबंध रखते हैं, उन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।